फ्रेंड आज हमारे पास एक 24 वोल्ट का आर ओ का एडाप्टर है जो कि मेरे पास डेड कंडीशन में आया है। वो इसको रिपेयर करके दिखाएंगे आपके सामने, जो फॉल्ट होगा इसको निकाल कर दिखाएंगे। यहाँ पर हमारा 24 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का एडाप्टर है। तो चलिए इसका ढक्कन को हमने सभी नट वगैरह ओपन कर लिया जिससे कि आपका समय खपत ना हो सके। तो इस पर देख क्या करना होगा, सबसे पहले इसका जो पावर कोड है, यहाँ पर हम सबसे पहले मेनली पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट करेंगे। इसको देखेंगे यहाँ पर हमारा कोई पावर आ रहा कि नहीं आ रहा। ये हमारा इसका पावर कोड रहा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इसको पावर लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ। पावर लाइन से कनेक्ट करने के बाद 750 वोल्ट एसी मोड पर सेलेक्ट करके 750 वोल्ट एसी मोड पर सेलेक्ट करके रखना होगा। तो यहाँ पर इसका एसी वोल्टेज इनपुट होता, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एसी वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा एसी वोल्टेज प्रेजेंट हो रहा, मैं इसको शॉर्ट करके एक बार आपको स्विच लैंप ग्लो करके भी दिखा दूँगा। तो यहाँ पर जो इसका स्विच लैंप है, क्योंकि स्विच लाइन में इसका सप्लाई दी है, इसलिए आप यहाँ पर शॉर्ट करके ना देखें, क्योंकि आप स्विच लाइन का उपयोग करेंगे तो शॉर्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सप्लाई प्रॉपर तरीके से पहुँच रहा है, जो कि हमारे यहाँ पर एक फ़िल्टर कैपेसिटर 350 वोल्ट का लगा हुआ रहता है, सॉरी 750 वोल्ट का लगा रहता है। तो यहाँ पर इसका वोल्टेज चेक करेंगे, तो यहाँ पर जो मेरा इसमें वोल्टेज मिल रहा है 224 वोल्टेज मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम वोल्टेज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी इसका प्रॉपर्टी हो चुका, तो यहाँ पर इसका 224 वोल्ट से मिला जो कि बहुत ही कम है। यहाँ पर 350 वोल्ट मिलेगा जब जाकर वहाँ जो स्विचिंग वाला सिस्टम है काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। इसका आउटपुट वोल्टेज हम चेक करेंगे, जो सेकेंडरी में हमारा आउटपुट वोल्टेज में कैपेसिटर होता, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ वोल्टेज आ रहा, जो कि हमारा 1.5 वोल्ट आ रहा है, बहुत ही लो वोल्टेज है। तो यहाँ पर हमारा देखिए सब कुछ तो सही है, सब कुछ मेरा सही है, इसीलिए हमारे यहाँ पर फिल्टर पर भी कैपेसिटर पर भी हमारा वोल्टेज आ रहा है। इसी की वजह मैं आपको चेक करके दिखा पाऊँगा कि यहाँ पर मेरा क्या क्या सामान ओके है, फ्यूज ओके, तभी जाके आगे सप्लाई पहुँच रहा है। फिर भी आपके आपके सामने दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मेरा NTC भी सही है, यहाँ पर चार्ज ऑब्जेक्टिव पर भी सही है। जब हमारे यहाँ पर कैपेसिटर पर वोल्टेज मिल जाता है, तो हमारा फ्यूज और ऑब्जेक्टिव और NTC वगैरह सब कुछ सही होता है, जब भी जाके हमारे यहाँ पर कैपेसिटर पर वोल्टेज आ जाता है। तो यहाँ पर मेरा वोल्ट कैपेसिटर आप देख सकते हैं 82 UF 450 वोल्ट का कैपेसिटर एक लगा हुआ है। तो इसी की बजाय मैं इस कैपेसिटर को ना बदलते हुए अभी यहाँ पर कुछ भी छिड़ाखानी मैंने नहीं किया, इसकी जगह पर एक कैपेसिटर हम लगा के देखेंगे। और कैपेसिटर लगाने से हमारे ये जो फॉल्ट का प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। तो अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए यहाँ पर हमारे पास 4.7 UF 400 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो इसके ऊपर से मैं लगा के जस्ट देखूँगा। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान देना होगा, जो डंडी खींची हुई है ये आपका नेगेटिव का सिंबल दर्शा रहा, तो यहाँ पर ये लाइन वाली लाइन को मिलाकर लगाएंगे। मतलब लाइन वाला का जो पॉइंट होता है हमारा माइनस होता है, तो माइनस साइड हमारा इस साइड आ रहा, तो हम इस साइड माइनस को रखेंगे और प्लस को इस साइड रखेंगे। और अगर हमारा कैपेसिटर से फॉल्ट रहा होगा, आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो हमारा यहाँ पर SMPS चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, एक पावर लाइन से कनेक्ट कर दूँगा, और यहाँ पर एक इंडिकेटर भी शो करेगा और पावर सप्लाई ओके हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ब्लू कलर से पावर आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको 1000 DC मोड पर सेट करके इसका सबसे पहले जो कैपेसिटर पर हमारा वोल्टेज स्टोर हो रहा था वो कितना हो रहा था, 224 के लगभग हमारा वोल्टेज स्टोर हो रहा था। 1000 पर आपको सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद आप इसका वोल्टेज को चेक करेंगे तो अच्छा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा वोल्टेज बन चुका है, यहाँ पर इसका वोल्टेज बन चुका है, क्या बोलते हैं 339.40, मतलब 340 के लगभग हमारा वोल्टेज बन चुका है। ठीक है, इस जगह पर मल्टीमीटर को 200 DC मोड पर सेलेक्ट कर रखना होगा। इसके बाद जिसका आउटपुट वोल्टेज है, हम इसको मेजरमेंट करेंगे हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना बना। तो यहाँ पर कैपेसिटर पर हम वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पर हमारा प्रॉपर तरीके से 24 वोल्ट की सप्लाई जो कि हमारे एडाप्टर पर होती है, 24 वोल्ट हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हमारा प्रेजेंट हो चुका। तो मतलब एक कैपेसिटर की वजह से हमारा यहाँ पर पूरा सप्लाई डेड पड़ा हुआ था, कैपेसिटर चेंज किया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। चलिए एक बड़ा कैपेसिटर ढूंढ कर मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर सही नहीं काम कर सकता, मतलब करेगा भी, लेकिन मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा वैल्यू अप डाउन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वैल्यू अप डाउन नहीं करना चाहिए। तो इसी की वजह मैं यहाँ पर लगाऊँगा 4.7 UF का कैपेसिटर जो कि 450 वोल्ट में होगा। थोड़ा सा साइज छोटा है बट ये काम कर जाएगा। 47 UF 450 वोल्ट का कैपेसिटर है, और यहाँ पर इसमें लगा हुआ था 82 UF का कैपेसिटर 450 वोल्ट का, तो कोई भी मसला ऐसा नहीं बनेगा। नेगेटिव पॉजिटिव आपको ध्यान देकर लगाना होगा, नहीं तो आपका कैपेसिटर तुरंत ही लॉन्ग लास्टिंग नहीं करेगा, तुरंत ही ब्लास्ट कर जाएगा। चलिए इसके जो होल वगैरह मैं इसको साफ करके यहाँ पर ये कैपेसिटर को इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको। फाइनली नेगेटिव पॉजिटिव मैंने पहले ही आपको बता दिया था।
तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। इसके पिन थोड़ा छोटे थे तो मैंने और पिन जोड़कर बाकी इस कैपेसिटर को लगा दिया। इसका वैल्यू जो है 450 और 4.7 का कैपेसिटर था तो मैंने आपको दिखाया, तो यही कैपेसिटर मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर मेरा जो है पावर आ जाएगा और मैं इसको पावर एक बार देके भी दिखा देता हूँ। तो सॉरी, इसमें गलती से इसका कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉजिटिव था वो उल्टा हो चुका था, तो मेरे से ही गलती हो चुका था, तो आप इस प्रकार की गलती ना कीजिए। तो चलिए, मैं इस कैपेसिटर का नेगेटिव पॉजिटिव फिर से ध्यान में रखते हुए मैंने लगाया। इसके बाद मैं पावर लाइन से कनेक्ट करता हूँ और इसका वोल्टेज हम फिर से एक बार मेजरमेंट करके देखेंगे। तो वो वाला मेरा कैपेसिटर शायद ख़राब था, तो इसीलिए मैंने इसको हटा के अब ये वाला कैपेसिटर लगाने जा रहा हूँ, जिसके वैल्यू 100 वोल्ट 450 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो अब हमारा जो UF है थोड़ा सा बढ़ा दिया है मैंने, और ये मेरे पास एक पुराना कैपेसिटर है बट ये हमारा सही कैपेसिटर है। तो निगेटिव पॉजिटिव को ध्यान में रखते हुए इस कैपेसिटर को लगा के दिखाते हैं। तो देखिए, बात कुछ ऐसी हुई कि इसमें क्या था कि ये कैपेसिटर इंस्टॉल करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था। तो हमने क्या किया, दो वायर उठाकर इस प्रकार से इस कैपेसिटर को दोनों जंपर मैंने कर दिए। और मैं वैसे भी तार लगा सकता था, लेकिन मेरा मेन पर्पस ये है कि ये हमारा जो बाद में समस्या जनरेट ना करे। अब यहाँ पर हम इसको ग्लू से इस प्रकार से घेर देंगे, हमारा कैपेसिटर भी अच्छे से फिक्स रहेगा। और यहाँ पर हमारा सप्लाई तो आ ही चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको सप्लाई लाइन से मैं एक बार कनेक्ट करके देखेंगे इसमें जो पावर आ जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर मेरा पावर देखते हैं आ जाएगा अभी। तो यहाँ पर ये थोड़ा देर से हमारा पावर सप्लाई जनरेट हो जाता है, यहाँ पर मेरा पावर भी आ चुका है। और यहाँ पर जो कि 24 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, तो हमारा 24 वोल्ट की सप्लाई इसके आउटपुट वाले जो दो टर्मिनल होते हैं यहाँ पास हमको मिल जाती है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर मिल जाती है मेरे को। और यहाँ पर ये शॉर्ट भी करने पर हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा तेज स्पार्क भी हो रहा है और हमारे यहाँ पर फिर से चालू हो जाता है। मतलब ये हमारा जो एडाप्टर है हमारा प्रॉपर तरीके से पूरा वर्किंग करता है, कोई भी दिक्कत मसला नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखेंगे इस पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपके कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।